हेलो एवरीवन, मैं मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं मिस्टर विशाल सर की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स? ये जो आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं डे बाय डे, आपकी कॉपियां भर रही है ना, आप हर चीज को नोट कर रहे हैं ना। इससे पहले मैं जितना आपका वर्ब का प्रॉब्लम था ट्रिक के जरिए मैं आपको दे दिया हूं। आपको रटने की जरूरत है ना, कोई किताब खोलने की जरूरत है ना, कोई टीचर से पूछने की जरूरत है। तो आइए फर्स्ट डे से लेके आज तकला डे में आपने जो भी कुछ सीखा, लेकिन आज का जो डे है वो बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और इस इंपॉर्टेंट डे का मतलब है आप आज से इंग्लिश की नींव रखने वाले हैं और वो सेंटेंस बनाने वाले हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या लंबा हो, या तूफान हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, और इस अफर्मेटिव सेंटेंस से आपके कोई भी सेंटेंस हो आपको चुटकियों में बना देंगे। मैं आपको एक ट्रिक दूंगा और इस ट्रिक के जरिए आप दुनिया का कोई भी लंबा सेंटेंस न्यू चुटकियों में इंग्लिश में बना सकते हैं। तो अक्सर गाइज क्या होता है कि सबसे पहला इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप जल्दी से लाइक का बटन नीचे मिल रहा है उसे जल्दी से क्लिक कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे दबा दीजिए ताकि आपको रोजाना नोटिफिकेशंस डे बाय डे आपको मिलती रहेगी। तो डोंट बी लेट नाउ गाइस, आइए उस जड़ को जानते, उस इंग्लिश के वर्ड्स को जानते, कौन ऐसे मैं आपको ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपकी इंग्लिश आसान होने वाली है। तो आज मैं आपको जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं, इस अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है। अक्सर गाइस मैं डे बाय डे आपको सेंटेंस सिखाऊंगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक के जरिए। ना आपको कोई भी चीज न रटने की जरूरत है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, या चाहे आपका कोई स्टोरी हो या पैसेज, कोई भी ऐसे वर्ड्स रटने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नॉर्मल वाले। नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? नॉर्मल वाले होते हैं। और इस नॉर्मल वाले में आपको क्या करना है कि ना इसमें नहीं नहीं आएंगे, ओके, क्या से नहीं होगा, क्वेश्चंस बट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेंटेंसेस आएंगे जो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएगी। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आइए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल हम पढ़ते हैं, सिर्फ दो ही रूल को आपको फॉलो करना है। व्हाट आई एम टेलिंग फॉर यू, केयर माय वर्ड्स, सिर्फ दो ही रूल को फॉलो करना और कुछ नहीं करना आपको, ओके। आइए ध्यान देते हैं और कॉपी निकाल के लिखे। इसमें क्या करना, अफर्मेटिव रूल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस उल्टा चले, यानी उल्टा चले तो बैक साइड नहीं, सेंटेंस को उल्टा चलना है, ओके, समझ गया ना। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलना, आपको मतलब सेंटेंस को हमें उल्टी तरफ से चलना और कुछ नहीं करना है आपको। आइए अगर आपको एग्जांपल के तौर पर और बेहतरीन क्या हो सकता है, मैं आपको एग्जांपल देकर सिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विराट खेल सकता है, पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। इसके बाद आप सैकड़ों हजारों करोड़ों सोचिए ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहला कि विराट क्रिकेट खेल सकता है, ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर विराट क्या है, एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मैंने आपको मतलब वीडियो डाल चुका हूँ पुराने वाले में, जो आप उस पीछे वाले डे में आपने क्लियर कर ही लिया होगा। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं कि आई वी यू दे ही सी इट नेम, आज मैं नेम क्या है, सब्जेक्ट है। तो विराट नाम है तो क्या सब्जेक्ट, मैंने आपको क्या बोला, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चले, यानी विराट नाम है तो मैंने यहाँ पे विराट रख दिया, अब हमें उल्टा चलना है, ओके। चलना है क्या, चलना है कि विराट क्रिकेट विराट खेल सकता है, यानी सकता है तो सकता को पहले लाएंगे। इसके पहले मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बहुत सारा लिखा दिया हूं, पिछले की वीडियो में जाके देख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, बहुत सारे सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर उल्टा चलना, सकता के क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, और खेलना का क्या होगा, प्ले, है ना। सिर्फ उल्टी तरफ से चलना है, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चले, ओके। तो विराट कैन प्ले, कितना आसान है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, कि विराट क्रिकेट खेल सकता है, विराट क्रिकेट खेल सकता है, यानी विराट अभी तो चल रहा है नया, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने वाली इंडिया, ठीक है, T20 भी है, ODI भी है, आप देख सकते हैं, ओके। तो आप क्या करें कि विराट क्रिकेट खेल सकता है, तो यहाँ पर सब दम फॉर्मूला सेम टू सेम है आपको, सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलना, ओके। सब्जेक्ट यहाँ पर विराट है तो मैं विराट लिख दिया, अब उल्टा चलेंगे, सकता है के लिए कैन, खेलने के लिए प्ले, और क्रिकेट के लिए क्रिकेट, यानी आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं विराट कैन प्ले क्रिकेट। सब अपनी अपनी जगह पर सेटिंग हो गया, कोई भी चीज का प्रॉब्लम सही नहीं। चलिए आपने छोटा देखा और छोटा, अब लंबा देखते हैं, तूफान देखते हैं, कैसे तूफान सेंटेंस को हम बना सकते हैं। आइए अफर्मेटिव फॉर्मूले में, जैसा क्या लिखा है कि विराट भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, यानी विराट भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, यानी अभी भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाने वाली है,
और बहुत सारे T20 है, ODI भी हैं, तो कैसे आप बनाएंगे? अब देखिए इतना लंबा सेंटेंस है, आप कैसे बनाएंगे? आइए कुछ अफर्मेटिव में जो रूल दिया हूँ सब्जेक्ट प्लस उल्टा चले, एकदम बिल्कुल सेम टू सेम करना है। ओके, सबसे पहले चलते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? विराट है, तो विराट के लिए विराट, फिर उसके बाद फिर हमें उल्टा चलना, यानी उल्टा चलना यानी सकता है के लिए कैन, खेल के लिए प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट, के खिलाफ, जब कोई किसी के खिलाफ होता है ना तो उसको अगेंस्ट बोलते हैं, प्रीपोजिशन। मैं आपको दिया हूँ वीडियो, आप देख लीजिएगा, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ या हुआ मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो जब भी कोई किसी के खिलाफ हो या विरुद्ध हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन हम अगेंस्ट लगाते हैं, यानी क्या हो गया विराट, ओके, कैन, प्ले, क्रिकेट उल्टा चल रहा है, के खिलाफ के लिए हम अगेंस्ट लगाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया लिखेंगे, ओके, के लिए फॉर होगा, और भारत के लिए इंडिया, ओके, है ना आसान ट्रिक ये। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको कुछ नहीं करना है, ओके, आप बहुत सारे सेंटेंसेस आप हमें लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको चुटकियों में इस ट्रिक के जरिए, अफर्मेटिव ट्रिक के जरिए मैं आपको आसान बना दूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, मैं आप एक साथ पढ़ के मैं आपके सामने बोल सकता हूँ कि विराट कैन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, ओके, कितना आसान है, कितना आसान ट्रिक आपको लग रहा है, ऐसी बेहतरीन। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इतने सारे होमवर्क को आप जल्दी से 4-5 में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब हमें जल्दी से इसे डील करके सब्जेक्ट प्लस उल्टा चलना अफर्मेटिव सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी ट्रांसलेशन हो आप बना सकते हैं, कोई भी इंग्लिश करनी हो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव हो तो यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हैं सिंपल तरीके से, इससे भी अच्छा सिंपल तरीका कुछ भी नहीं है, चाहे वो आप टेंस पढ़ रहे हो, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो, यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ रूल, मीन्स यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ ट्रिक यू कैन द इजीली वे। तो है ना ये कमाल की जानकारी, तो ऐसे ही कमाल कमाल की जानकारी पाने के लिए आप मेरे जल्दी से YouTube चैनल को फॉलो कीजिए ना, और जल्दी से जल्दी एक नीचे लाइक का बटन दे रहा है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए। मैं अगला डे मिलूंगा नेगेटिव सेंटेंस के साथ, ट्रिक के साथ एंड टिप के साथ। मैं मिस्टर विशाल, बाय टू ऑल, बाय बाय।